इन्वेस्टर्स समिट GIS में शानदार भागीदारी की तैयारी संग आगे बढ़ा है। गोरखपुर जिले को अब तक मिल चुके हैं 50,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव। स्थानीय स्तर पर मिलेगा 50,000 लोगों को रोजगार। जनपद में चल रही PRD जवानों की भर्ती को उत्तर प्रदेश युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के महानिदेशक ने अगले आदेश तक किया स्थगित। जिला युवा कल्याण अधिकारी ने कहा, अगले आदेश मिलने के बाद की जाएगी भर्ती, जमा फार्म है सुरक्षित। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह को जिताने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारियों ने की बैठक। कहा, भाजपा प्रत्याशी सबसे ज्यादा वोट से जीतेंगे चुनाव, सभी छात्र हैं उनके साथ। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के सपा प्रत्याशी के समर्थन में सपा के वरिष्ठ नेता राजीव पांडे ने दिया समर्थन। कहा, पिछले कुछ सालों से MLC चुनाव के लिए कर रहा था तैयारी, लेकिन पार्टी द्वारा प्रत्याशी बदले जाने पर दे रहा हूं समर्थन। सपा प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य ने कहा, सभी शिक्षकों के गुट है हमारे साथ, 70% वोटों से जीतेंगे चुनाव। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में चल रहे मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी के समापन के अवसर पर ADM सचिव विनीत कुमार सिंह ने सबसे ज्यादा उत्पादों की बिक्री करने वाले व्यापारियों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। कहा, 15 दिन की प्रदर्शनी में 1,14,60,000 के उत्पादों की हुई है बिक्री, आगे भी प्रदर्शनी लगाने का कार्य रहेगा जारी। तहसील सदर के सभागार में SDM सदर नेहा बंधु की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, अधिकतर मामले आय भूमि विवाद, पुलिस व नगर निगम से संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। डिस्ट्रिक्ट लीडर्स कॉन्क्लेव का BSA रामेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में किया गया आयोजन। कहा, जनपद के हर एक बच्चे को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बनाया जाएगा निपुण, जिसके लिए जनपद के सभी अध्यापकों को दिया जा रहा है ट्रेनिंग। मौनी अमावस्या पर राप्ती नदी में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई श्रद्धा की डुबकी। राप्ती नदी में स्नान कर किया पुण्य प्राप्त, गौ दान कर परिवार के सुख समृद्धि की कामना। और जनपद में हो रही धूप से लोगों को मिल रही है राहत। लोग घर से बाहर निकलकर कर रहे हैं अपना कार्य। मौसम विभाग के अनुसार जनवरी के अंत व फरवरी मार्च के बीच होगी हल्की बारिश। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी।